खबरों की तह तक जाए। आगरा में दो अज्ञात युवकों ने 10वीं की छात्रा संजलि को जिंदा जलाकर मार दिया था, जिसके विरोध में वाराणसी के कांस्य विद्यापीठ के छात्रों ने कांस्य विद्यापीठ गेट नंबर 2 से मशाल जुलूस निकालकर भारत माता मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने 10वीं की छात्रा संजलि को विनम्र आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। सैकड़ों की संख्या में जुटे काशी विद्यापीठ के छात्रों ने संजलि को न्याय दिलाने की मांग की, साथ ही छात्रों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। काशी विद्यापीठ के छात्र राहुल राज ने कहा कि भारत में महिला अत्याचार बढ़ता ही जा रहा, जिस पर योगी सरकार अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। आए दिन कहीं ना कहीं महिलाओं और बच्चियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं सामने आ रही। ऐसे ही लोगों को झिंझोड़ देने वाली घटना आगरा में हुई है, जहां 3 दिन पहले आगरा में दो अज्ञात लोगों ने 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा संजलि को जिंदा जलाकर मार दिया, जिसे हम मशाल जुलूस निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे और सरकार से संजलि को इंसाफ दिलाने की मांग भी कर रहे। यदि संजलि के हत्यारों को गिरफ्तार कर जल्द से जल्द सजा नहीं दी गई तो हम विशाल जन आंदोलन करेंगे और हम सभी छात्र लखनऊ जाकर संसद भवन का घेराव भी करेंगे और संजलि को इंसाफ दिलाने की फिर से मांग करेंगे। हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं। आपका परिचय? जी मैं राहुल राज हूँ, जी मैं राहुल राज हूँ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का विद्यार्थी हूँ। आज आप लोग ने किस तरह की श्रद्धांजलि किसको दी है? जी देश में मौजूदा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में 3 दिन पहले एक लड़की जो कक्षा 10 में पढ़ती थी, जिसका नाम संजलि था, उसे दो युवक आते हैं दिन दहाड़े सड़क पर पेट्रोल डालते हैं और पेट्रोल डालकर उसको आग के हवाले कर देते हैं। 2 दिन बाद उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। यह देश में दिन दहाड़े काम चल रहा है। योगी सरकार, मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन सही मायने में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा बेबुनियादी है। कोई भी महिलाओं पर काम नहीं हो रहा है। आज देख लीजिए, वर्ल्ड रेप क्राइम देख लीजिए, पूरे भारत में प्रथम स्थान है, वर्ल्ड में पूरे प्रथम स्थान पर वर्ल्ड रेप क्राइम है, वर्ल्ड वुमेन क्राइम भी प्रथम स्थान पर पूरे वर्ल्ड में। तो सही मायने में देश में महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ खूब अत्याचार हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार और योगी सरकार केवल और केवल जुमलेबाजी करने का काम कर रही है। कोई जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रही है बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, नहीं तो दिन दहाड़े कोई पेट्रोल डालकर नहीं चला जाता हमारे बिजनेस। तो क्या इससे क्या जो आप श्रद्धांजलि लेकर चल रहे हैं, आज इसके पहले देखा गया कि निर्भया कांड हुआ था, उसमें भी लोगों ने श्रद्धांजलि दिया था, फिर उसके बाद एक युवती का हुआ तो भी लोगों ने श्रद्धांजलि लेकर निकले थे, लेकिन क्या इससे हल निकलेगा श्रद्धांजलि जो आप लोग दे रहे हैं? निर्भया हत्याकांड और बलात्कार केस में भी नौजवानों ने सड़क पर उतरे, छात्र विद्यार्थी सभी, पूरी जनता भारत की एक साथ थी निर्भया के साथ, और आज संजलि के साथ भी उसी तरह उतरी है। आपने देखा होगा कि निर्भया वाले कांड में कानून संशोधन भी हुआ, सारे लोगों को फांसी की सजा भी हुई। आज हम लोग अगर मशाल जुलूस लेकर निकले हैं तो सही मायने में इसलिए निकले हैं कि जो भी दोषी है उनको फांसी की सजा हो और प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे। अगर नहीं करती है तो सही मायने में हम लोग हर जिला अधिकारी और SSP ऑफिस पर धरना देंगे, घेराव करेंगे, और हो सकता है कि आगजनी भी करे, सड़क पर उतरकर बड़े से बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। अब कोई महिला शिकार ना हो, कोई बच्ची शिकार ना हो, इसका कैसे हल निकलेगा? इसका हल तभी निकल सकता है जब देश का नेता बेटियों के बारे में सही सोचेगा। तब सही मायने में आज देखिए, जितने भी नेता चुनकर जा रहे हैं कोई लड़कियों के बारे में नहीं सोच रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला और लड़कियों के विरोधी सरकार है। वो चाहती हैं कि लड़की केवल किचन तक ही सीमित रहे, घर तक ही सीमित रहे, वो बाहर निकले ना पढ़ने के लिए, बाहर निकले ना नौकरी करने के लिए। उनकी मानसिकता शुरू से रही, आप देख लीजिए उनकी जो आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा ही इसी पर बनाई गई है, महिला विरोधी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की। आज उसका विरोध करते हुए हम सारे नौजवान आज सड़क पर उतरे हैं संजलि को न्याय दिलाने के लिए, और जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। आप लोगों के माध्यम से जनता से भी अपील है कि सारे लोग घर से बाहर निकले। हो सकता है कि आज संजलि एक बहन हम लोग की आज हमारे बीच में नहीं, हो सकता है कि उनकी भी बहन इसी तरह जो है न रहे बीच में, उनके साथ भी कुछ घटना हो जाए। तो सही मायने में जागरूक होने की जरूरत है। हमारा देश सांस्कृतिक देश है, यहाँ पर महिलाओं को देवियों के नाम से पूजा जाता है, देवी कहा जाता है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा, दुर्गा पूजी जाती हैं, काली पूजी जाती हैं, सरस्वती पूजी जाती हैं, न जाने कितनी आदि शक्ति देवी देवताओं यहाँ पर हैं, उसके बावजूद हमारे देश में बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं पर। और कौन करता है? पुरुष कर रहा है, चाहे जो भी व्यक्ति कर रहा है। सही मायने में अगर वो देवी मानता है तो उसको इस तरीके से प्रताड़ित नहीं करता, बलात्कार नहीं करता। तो ये भी सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हम देवी मानते हैं कि नहीं लड़कियों को। अगर नहीं मानते हैं तो सही मायने में मंदिर जाना छोड़ दें।
देखा जाए चाहे निर्भया हो या संजलि हो या कुछ भी, लेकिन चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, सिर्फ राजनीति होती है इस पर। जी देखिए, हम लोग यहाँ राजनीति करने तो नहीं उतरे हैं। रह गई बात पार्टियों की, अगर वो पार्टी राजनीति कर रही हो तो कर रहे हैं। हम लोग विद्यार्थी हैं, छात्र हैं और छात्र नेता भी हैं साथ में। हम लोग किसी पार्टी या किसी बैनर के तले नहीं हैं। हम लोग व्यक्तिगत कार्यक्रम कर रहे हैं और सजली को न्याय दिलाने के लिए जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे। हो सकता है संसद का घेराव भी करें, लखनऊ भी चले, विधानसभा का भी घेराव करें, जो करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन सजली को न्याय दिला करें। ठीक है, धन्यवाद।